सुबह का लास्ट डेट है। अब मैं सुबह आपको मतलब सैटरडे सुबह मैं आपको दिल्ली में मिलूँगा, आज हमारी रात को 10 बजे की ट्रेन है। और मैं आपको ऐसा तो हो नहीं सकता लास्ट डेट में मैं आपको थोड़ा बहुत ना घुमाऊँगा। तो आज हम आए गुरुद्वारा, गुरुद्वारे के सामने व्यू देख सकते हो और ये हमारा गुरुद्वारा है और यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब ना व्यू पॉइंट है, एक तरीके से ना व्यू पॉइंट है ये। और ये देख सकते हो ये सामने गुरुद्वारा है और नीचे दिखाता हूँ तो आपको ऊपर से पूरा देहरादून दिखेगा। ये देख सकते हो आप, देखो कितनी बढ़िया सा व्यू है, देखो बहुत ही बढ़िया अल्टीमेट सा। और बाकी ये यहाँ पे बैठने के लिए बना रखा है इन्होंने, और सामने गांधी जी और वहाँ पे सामने, और वो पूरी ना पूरा वो होटल से के साथ वो पीछे तक पूरा मेन मार्केट है वो मसूरी की वहाँ पीछे तक। तो अब मैं आपको मेन मार्केट की तरफ लेके चलता हूँ थोड़ा सा। बाकी मैं वहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह करूँगा, अगर कुछ बनवाऊँगा नेम प्लेट्स वगैरह कुछ भी तो मैं वो ज़रूर दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पे आपको सूटकेस वगैरह भी मिल जाएंगे जैसे कल दिखाया था, ये देख सकते हो आप व्यू। मतलब गाइस अगर यहाँ पे किसी का घर हो ना, बंदा कहीं और जाने की सोचेगा भी नहीं। आप ये देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं बढ़िया बढ़िया। और ये रास्ता जा रहा है जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ और वहाँ से जा रहा है अपना कैंपटी फॉल की तरफ, जैसे कि हम दोनों मैंने आपको ब्लॉग दिखाए हैं दोनों वाले। तो बाकी अब हम चलते हैं कुछ ख़रीदने, मैं जो भी खरीदता हूँ मैं आपको वो सब दिखाऊंगा। बाकी मुझे एक, हाँ मेरा एक था मुझे एक बैंड ख़रीदना है अपने लिए, तो मैं वो ज़रूर दिखाऊंगा अगर मैं बैंड लेता हूँ तो। बाकी आप ऐसी वीडियो एंजॉय करो, मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कुछ खरीदेंगे गोल्डन बग वगैरह में, तो मेरे को गोल्डन बग में आप देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पे इनकी कटोरियाँ कितनी बढ़िया लगी। आप ये देख सकते हो गोल्डन कटोरियाँ कितनी बढ़िया कप्स टाइप में बनी हुई है, सूप वगैरह के लिए सब्जी वगैरह के लिए कितनी बढ़िया। आप ये देख सकते हो कैसी है ये, देखो अल्टीमेट सी कचोरी मतलब बढ़िया सी है ये, मेरे को ना अच्छी लगी है। तो मैं अभी हम तो तीन तो ये लेंगे, उसके बाद हम देख रहे हैं देन कुछ बढ़िया सा जैसे कि कुछ ये कपड़े वगैरह का स्टैंड या की होल्डर कुछ ऐसा लेंगे कुछ बढ़िया लग रहा है अगर ये। बाकी आप वहाँ पे देख सकते हो कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें और भी हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं वहाँ पे ना, आप देख सकते हो। ये देखो वहाँ पे वुडन वर्क, कितना वुडन वर्क है यहाँ पे देख रहे हो आप, ये देखो कितना सारा वुडन वर्क है यहाँ पे। मतलब भाई ये देख लो कितना बढ़िया लग रहा है ना ये चीज़ मेरे को, और बढ़िया ही है भाई। जब मैं देखता हूँ अगर कुछ और लेता हूँ मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे बुलेट्स पड़ी हैं, विंचाम्स पड़ी हैं, देखो और सिर्फ ये मतलब ये जितना सामान है सिर्फ 40 रुपीज़ में है और वो सामान उसके अलग अलग रेट है, जैसे कोई 150 कोई 200 कोई 250 ऐसे ही है, पर 500 से सारे अंदर अंदर में है क्योंकि इतना बढ़िया सामान है ना। और बाकी हम कुछ खाते हैं, अब देखते हैं। बाकी मैं कटोरियाँ तो ले ही रहा हूँ, उसके अलावा मैं कुछ और लेता तो मैं वो भी आपको ज़रूर दिखाऊँगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम कुछ खाएंगे, तो आज हम आए हैं बिरयानी कबाब। आप देख सकते हो पीछे यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों हैं, और नॉन वेज तो मैं प्रेफर मतलब मैं खाता नहीं हूँ, पर मैं यहाँ के लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। मेरे फ्रेंड ने भी ट्राई करा था, वहाँ का बहुत बढ़िया खाना है नॉन वेज, और बाकी मैं वेजिटेरियन तो मैं वेजिटेरियन लगवाइए डीलक्स थाली। डीलक्स थाली पे हमारे में वेज थाली डीलक्स में ओनली 190 रुपीज़, पनीर दाल मखनी वेजिटेबल रायता सैलड रोटी राइस एंड स्वीट्स। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया सी वो है, और यहाँ पे सिटिंग के लिए भी ऑप्शन है इनके पास। ये आप देख सकते हो इनका मेन्यू, मेन्यू में आपको दिखाता हूँ एक बार क्या है इनका मेन्यू में। ये देख सकते हो चाय या ड्रिंक्स है, ब्रेकफास्ट है, स्नैक्स है, थालीज का रेट आ गया, वेज कॉम्बो आ गया, चाइनीज़ मोमोज ये सब मतलब यहाँ पे सब कुछ। और आप देख सकते हो यहाँ पे तंदूर वगैरह लगा हुआ चिकन के लिए, और ये इनकी पूरी सिटिंग के लिए बैठने के लिए बना रखा है। और यहाँ पे मतलब वेज जो सब चिकन खाता है उनके लिए तो सभी है, बाकी वेज वालों के लिए भी है तंदूर लगा है। बाकी वहाँ पे आपका ये लगा हुआ चिकन, चिकन देख सकते हो आप, बाकी पूरा हाइजीन तरीके से खाना है इनका, और देख सकते हो आप मतलब बढ़िया सा। बाकी अब मेरी एक बार थाली आ जाए मैं आपको बाहर से शॉप दिखाता हूँ इनकी बाहर से शॉप कैसे है। ये देख सकते हो आप इनकी बाहर से शॉप ऐसे है बिल्कुल बढ़िया सी। बाकी अभी हमारा खाना आता है डीलक्स थाली, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि उसका टेस्ट कैसा है और उसमें क्या है इतना खास जो यहाँ पे सिर्फ 190 रुपीज़ में डीलक्स थाली का लोगों ने मेरे को बताया था कि यहाँ पे क्या है इतना खास। तो अब हमारा खाना आ गया, आप देख सकते हो हमारा खाना आ चुका है। ये है अपने दाल मखनी है, दाल मखनी देखो कैसी है,
और ये है अपनी मिक्स वेज, इसमें बीन्स है, आलू है, मटर है। वैसे तो देन उसके बाद है कटहल अपने पास का शाही सब्जी पनीर। शाही पनीर आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है, देखो ये बिल्कुल देखो भाई, क्योंकि हम कितना लोग बढ़िया शाही मुस्लिम पनीर लोग लग रहा है एकदम। उसके बाद है रायता, ये है प्याज और ये होता है बंद ही मिक्स, करी। मतलब मिक्स रायता कह सकते हो आप इसको एक तरीके से। इसमें प्याज, आलू बॉइल्ड एग, आलू हाँ और अनियन वगैरह डले हुए हैं। उसके बाद अपना सैलड में ये है गाजर और प्याज। उसके बाद अपने राइस है एंड दो हाँ चपातीज है। भैया हम तो आइए किए हम टेस्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा होगा। तो अभी हम टेस्ट करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दाल मखनी से। पेन स्विच तो ऑफ कर दाल लिया मखनी अब मतलब आप देख आपका सकते हो, ये देखो पैसे हम भाई। दाल हाँ मखनी ट्राई करते हैं, इतनी गर्म है। हाँ पैसा गिरे में पैसा है पड़े पैसा। बटर का और क्रीम का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जो उसको क्रीमी बनाता है एकदम, वैसा टेस्ट है। नमक भी बिल्कुल सही है, मसाले भी बिल्कुल वगैरह सही है, राजमा भी इसमें सही आ रहे हैं। उसके बाद अब मिक्स वेज ट्राई करते हैं कैसी होगी इसकी सब टेस्ट। ये देख सकते हो आप कितना बढ़िया लग रहा है। मिक्स एग बिल्कुल बढ़िया, प्रॉपर बॉयल्ड है, मतलब सब कुछ बॉयल्ड अच्छे तरीके से है। बस मैं सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगी कि प्याज का, प्याज भी डले इसमें, ये चीज़ सबसे अच्छी लगी मेरे को। बाकी बीन्स वगैरह कोई नहीं भी खाता होगा ना तो वो भी इस टेस्ट को देख के खा लेगा। देन उसके बाद हम ट्राई करते हैं अपना इसके साथ, राइस के साथ शाही पनीर। ये देख सकते हो आप, बहुत बढ़िया, शाही पनीर जैसा होता है ना, बिल्कुल सेम दिल्ली वाला टेस्ट है। लास्ट ये दही देख सकते हो, इसमें प्याज है और बॉइल्ड आलू है। ट्राई करके देखते हैं क्या टेस्ट है। बढ़िया था, बिल्कुल इसमें लाल मिर्च का जो हल्का सा टेस्ट आता है ना वो बढ़िया लगा मेरे को। बाकी अब हम खाना खाते हैं, उसके बाद अगर कुछ इंटरेस्टिंग हम होता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और हमारी 6 बजे की गाइस बस है। और हाँ गाइस, अगर आप डीलक्स साइड लेते हो ना तो आपको उसमें स्वीट भी मिलता है, जैसे स्वीट में हमारे को मिली है अभी खीर। आप ये देख सकते हो खीर, कितनी बढ़िया सी खीर है, मैं इसको ट्राई करके बताता हूँ कैसी है। बहुत बढ़िया है, मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट है और सब कुछ बढ़िया परफेक्ट है इसमें। दूध और चावल से बनती है बेसिकली, बड़ी बढ़िया खाना, बिल्कुल बढ़िया सा। बाकी मैं अब खाना खाता हूँ, इन्जॉय करता हूँ, मैं आपको मिलूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।